क्यों हमारे देश में कोई दिव्यांग व्यक्ति कलेक्टर नहीं बना, वाइस चांसलर नहीं बना? क्यों नहीं? क्यों ये बच्चे हायर पोस्ट पर नहीं है? अपंग और अनाथ बच्चों की समस्या ये है, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। और उससे बड़ी समस्या ये है, इन बच्चों के हायर करियर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए और अलग अलग प्रकार के करियर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कहीं कहीं हेल्पर का काम कर ले, कहीं मोबाइल, कहीं फोन रिसीविंग का काम कर ले, कहीं पर डीटीपी का काम कर ले, कुछ रेलवे में या रास्ते पर कुछ बातें चीजें कुछ बेच ले, और ये भी ना मिलता है तो बहुत से लोग आप देखेंगे कि वो भीख मांगने का काम करते हैं। पर फिर हमने तय किया कि इन बच्चों के साथ भी हम काम करेंगे, और इसलिए मनोबल की शुरुआत हुई है। हर साल ऐसे 300 बच्चों को हम सिलेक्ट करते हैं और उनको रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर हम इन बच्चों को हायर एजुकेशन देते हैं, अलग अलग कोर्सेज, जितने भी हायर एजुकेशन के कोर्सेज है, यूपीएससी से लेकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पीएससी, बैंक, रेलवे, अलग अलग प्रकार की एंट्रेंसेस, चाहे वो मेडिकल की एंट्रेंस हो, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस हो, ये सारी एंट्रेंस की तैयारी हम करवाते हैं। उसके लिए वो व्यवस्था हमने निर्माण की है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, ये सारी सुविधाएं हम फ्री देते हैं, एक ही जगह देते हैं इन बच्चों को। इस काम के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो तैयार करना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम चाहते हैं कि आप पहले बच्चों के साथ दोस्ती कर लीजिए, दूसरा इन्हें अपना मानिए, और हो सके तो कुछ राशि दे पाए, कुछ डोनेशन दे पाए, रेगुलरली दे पाए तो जरूर दीजिए।